किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गाँव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चार लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई, फिर वो लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते दो घंटे बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। चार घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्वान होते हैं। ये जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो उसमें सफल न हो जाए।